हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज स्टूडियो में कैसे गाएं उसके बारे में एक दो टिप्स मैं आप लोगों को दे दूं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनको पता नहीं है, अच्छे गाते हैं पर पता नहीं है कि माइक पे स्टूडियो में कैसे गाएं। और स्टूडियो में भी जो मौजूद होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं पाते हैं या आप समझ नहीं पाते हैं, वो बताते हैं। तो सबसे पहले ये माइक है, आप देख रहे हैं ना, ये माइक है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो कम से कम 5 इंच या अपने हाथ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस मिला सकते हैं, ये नॉर्मल है। इतने डिस्टेंस में आपको खड़े होने हैं, ये नहीं कि ज़्यादा सट कैसे खड़े हो गए, ये आप डिस्टेंस रखिए और यहाँ से नॉर्मल गाना इतने डिस्टेंस पे आप शुरू कर सकते हैं। फिर आपको ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपका गाना यदि ऊपर जा रहा है तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो जिस जैसे जैसे ऊपर जाएगा मेरा दूरी जो है, डिस्टेंस जो है माइक्रोफोन से बढ़ेगा, और जो ही गाना जो है नीचे आएगा तो नॉर्मल जो मेगा गेंस था उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये नहीं कि एकदम से सट जाए, वो बात नहीं। बहुत सिंगर ऐसे सट के थोड़ा गा देते हैं तो इतना गेन बढ़ जाता है उनका कि आवाज़ फटने लगता है, फिर वो होता है स्टूडियो वाला अच्छा गाना नहीं रिकॉर्ड किया। तो हर स्टूडियो वाला अच्छा गाना रिकॉर्ड करता है, बट हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये नॉर्मल रेंज है जो हम गाएंगे। ऊंचा गाएंगे नोट में, जैसे ही अंतरा या कोई भी मुखरा यदि ऊंचा है तो हम थोड़ा सा बैक होंगे, और यदि लोन ऑक्टिव में आएगा, नीचे आएगा तो थोड़ा सा हम डाउन होंगे। फिर अपने मिडिल आएगा तो मिडिल अपने दूरी पे खड़े हो जाएंगे, और ये आपको गाते क्रम में करना है। ये नहीं कि आप यहाँ सट गए फिर गाना तब तक आपका बीट निकल जाएगा, तो ये आपको हैबिट्स लाना होगा। थोड़ा जाए किसी भी स्टूडियो में आप जाएं तो 2 मिनट 5 मिनट समय ले लें, एक बार रिवीजन कर लें उसको, एक दो टेक ले लें आप, उसके बाद फाइनल रिकॉर्डिंग आप।